दो तरह की घुटने की प्रॉब्लम होती है, एक तो नॉकनी और एक बोले। जनरली बोले एसोसिएटेड विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है या बोलेक है, उन दोनों पेशेंट में ये जो जॉइंट है वो अंदर की ओर आएगा, और अगर पेशेंट को नॉकनी है तो इसका जो जॉइंट है वो बाहर की ओर यानी लेटरल साइड आएगा। बेल्ट वही रहते हैं, सिर्फ उसका पहनने का तरीका अलग रहता है। अगर नॉकनी है तो लेटरल साइड जॉइंट रहेगा, और बोलेक है तो मिडिल साइड जॉइंट रहेगा। अब पहनाने का तरीका बताता हूँ। ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि इनको बोलेक है, या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के हिसाब से होने वाले घुटने का जनरल जो प्रॉब्लम होता है वो है, उसके लिए हम ये पहना रहे। ये जो जॉइंट है वो मीडियली आएगा, मीडियली जॉइंट रखे हुए पैर के साथ इसको एक बार मोड़ लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि घुटने में बीच में घुटने की जगह पर ये जॉइंट कहाँ आ रहा है। बस वहीं से उसके नीचे वाला एक बेल्ट, अगर हम इसको नंबर दिए तो 1, 2, 3, 4, तो 3 नंबर का जो बेल्ट है उसको हम पहले बांध देंगे। फिर सेकंड नंबर का ऊपर से अगर लिया जाए तो सेकंड नंबर का बेल्ट, या तो घुटने के जस्ट ऊपर वाला बेल्ट उसको पहले बांध दिया जाए। फिर और 1 और 4 नंबर का बेल्ट उसके बाद में बांध। इस तरह से बन जाने के बाद ये जो बेल्ट है, जिसका काम अगर ये बो लेग था या तो अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं था जिसमें मीडियली डैमेज ज़्यादा है, उसके लिए ये जो बेल्ट है घूमते हुए आएगा और बाहर की ओर घुटने को प्रेशर, बाहर से अंदर की ओर प्रेशर करते हुए ये बेल्ट यहाँ लग जाएगा, जिससे बोलेक के पेशेंट को या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को जिसको मीडियली डैमेज ज़्यादा है उन पेशेंट में फायदेमंद रहेगा। देख जैसे कि आप देख सकते हैं घुटने को अच्छी तरह से मोड़ सकते हैं,